हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ आप लोग का पूजा बी टू ब्लॉग्स में एक बार फिर से। तो आप लोग सब लोग कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो यहाँ पे आज है सोमवारी का नहाए खाए, तो आज मैं सरकना घर पे ही पूजा कर रही थी, मंदिर नहीं गई थी क्योंकि मतलब परी का नाश्ता वैसे तबीयत ठीक नहीं है। कल हम लोग मेला गए थे ना, मेला का ब्लॉग वीडियो मैंने अपलोड किया था, तो कल हम लोग मेला गए थे तो मेला में कुछ कुछ परी खाई थी ना, तो उसको पता नहीं मतलब बाथरूम हो रहा है, मतलब उल्टी जैसा भी, मतलब उल्टी भी मतलब हल्का हल्का हुआ है, यानी कि बाथरूम ज़्यादा हो रहा है। इसी की वजह से उसका तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब बाथरूम होने लगता है ना बच्चे को, तो बच्चे थोड़ा सा सुस्त ज़्यादा हो जाते हैं और बच्चे लोग को सिर्फ माँ का ज़रूरत रहता है। तो दवा ववा भी देना बाकी है, अभी परी उठी नहीं है और अभी ना उठी नहीं है। रात को ना बाथरूम को ना 3 से 4 बार कर दी थी, तो मुझे ना रात भर जगना, मतलब रात में कितना बार जगना पड़ गया, तो नींद भी पूरा नहीं हुआ। तो अभी मैं उठी हूँ और सुबह सुबह उठ के सबसे पहले नहा धोवा के पूरा घर में झाड़ू उड़ू कर ली हूँ, उसका चाय पानी हम लोग पी लिए, हम लोग नहीं पिए थे, मैं नहीं पी थी, सब लोग पी लिए थे। और उसके बाद मैं नहा धोवा के पूजा पाठ करने के लिए आ गई थी। घर में ना छोटा सा शिवलिंग है, जैसा कि आप लोग देखे होंगे वीडियो में, तो बहुत ही सुंदर सा शिवलिंग है, बहुत मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। छोटा सा छोटू मोटू है, बहुत अच्छा लगता है, शिव जी का शिवलिंग है। तो वहीं पे मैं पूजा पाठ वहीं पे कर, मतलब उसी शिवलिंग का पूजा पाठ घर पे करती हूँ। तो शिव जी का तो भी पूजा, मतलब शिव जी का ही ज़्यादातर होता है, सारे भगवान का पूजा होता है, यानी कि शिव जी का भी दिन चल रहा है, सो मतलब पूरा सावन चल रहा है, सावन में हर सावन शिव जी का पूजा होता है। और उसके बाद मैं, यहाँ मेरा पूजा पाठ हो चुका है, मैं सारे बेलपत्र में बेलपत्र को धो के और उसमें मतलब लोरी और चंदन लगा दी थी। और उसका देख सकते शिव जी का छोटा सा शिवलिंग है, उसमें मैंने 22 बेलपत्र चढ़ा दिया है और दिया जला दिया, प्रसादी उसादी सब चढ़ा दिया, पूरे भगवान का पूजा हो गया पूरे घर में। आप देख सकते कितना प्यारा लग रहा है, मुझे ये ना शिवलिंग बहुत अच्छा लगता है, शिव जी का बहुत छोटा सा है इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे भी कोई सामान ना जब छोटा हो ना तो वो मतलब ज़्यादा सुंदर लगता है, और ये छोटा सा शिवलिंग बहुत प्यारा लगता है। तो यहाँ देख सकते दिया जल रहा है घी का। तो उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद मैं यहाँ पर परी को, परी उठी ना तो उसको ना कुछ खिला पिलाने के बाद दवा दिया जाता है, खाली पेट दवा नहीं दिया जाता। तो मैं इसको 2-4 बिस्किट खिलाई थी, और मतलब चाय इसको मैं नहीं देती हूँ, चाय बहुत कम मात्रा में देती हूँ, चाय ना के बराबर देती हूँ, सिर्फ हल्का सा उसमें सिर्फ भिंगोती हूँ, भिंगा देती हूँ ना चाय, मतलब चाय का टेस्ट हल्का आ जाता है ना। तो परी मतलब कोई भी बच्चे लोग खाते हैं, वहाँ पे विष्णु भी खा रहा है चाय बिस्किट, वो भी मतलब नानी के साथ कितना दिन हर रोज ज़्यादातर ना मंदिर जाता है पूजा पाठ करने के, उसको भी नानी के साथ जाना आना अच्छा लगता है, वो भी मतलब बहुत बार हम लोग के साथ मंदिर जाता है, पूजा पाठ बहुत अच्छे तरीके से करता है, उसको अच्छा लगता है पूजा पाठ करना, बाबू को भी। और यहाँ परी चाय बिस्किट खा रही है, मोबाइल देख रही है, और यहाँ पैकेट ना, ये पैकेट आज फटा ही था तो ये पैकेट में ही है। और उसके बाद मैं अपने लिए यहाँ पे लेके आ गई थी नहाने के बाद ना फ्रूट्स, तो ये ना पपीता था, पपीता मतलब काट हुआ था, सब लोग खाए थे, तो मेरे लिए भी थोड़ा सा रखा हुआ था, तो मैं भी खाई थी। और उसके बाद अब परी को मैं दवा दे दूँगी। दवा पिलाने में ना बहुत डर लगता है, मैं ना बहुत सोच समझ के इसको दवा देती हूँ, मुझे मतलब बहुत नौटंकी करती है मेरे साथ दवा पीने में बहुत ज़्यादा। और उसके बाद मैं ना मम्मी को बुलाई, तो मम्मी परी को दवा दी, क्योंकि मतलब मुझसे होता है ना कि किनारे में साइड में रखी हुई रहती है, और बाद में ना मैं जब उसको छोड़ देती हूँ तो वो उगल देती है। तो मैं जल्दी से यहाँ पानी ला के मम्मी को दी थी कि पानी परी को दे देने के लिए, क्योंकि मतलब उगलेगी नहीं, पार कर लेगी। और उसके बाद जल्दी जल्दी परी को, उसके बाद नाना के पास परी खेल रही है, तब तक मैं जल्दी जल्दी इधर ना रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे लोग का तबीयत खराब रहता है ना, तो काम काज करना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब काम करने में बिल्कुल मन भी नहीं लगता, और फिर ध्यान बच्चे पर रहता है, और बच्चे को भी होता है, मतलब जब जब मैं किचन में आई थी तब तो परी मम्मा करने लग रही थी, इसलिए ना मतलब मैं ज़्यादा उसको अकेले छोड़ती नहीं हूँ, कि तबीयत खराब होता है तो नहीं रहती अकेले, कोई काम काज सब छोड़ के मैं उसके पास ही रहती हूँ बैठी हुई, और मम्मी इधर सारा काम समेट लेती है। और उसके बाद मम्मी ना उधर कुछ कुछ सामान सब मतलब जो जो इधर उधर रखा हुआ है ना उसको समेट रही है, तो वही मम्मी ना ज़्यादातर मम्मी को जब थोड़ा सा भी किचन में इधर से उधर कुछ भी सामान रहता है तो मम्मी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो तुरंत ना उसको सरियाने लग जाती है। और उसके बाद एक साइड इधर आलू का बचका छना रहा था, तो बहुत टाइम के बाद बचका छना रहा था, तो बचका ना मुझे ना चावल का जो बचका छना था, चावल और बेसन दोनों मिला के वो ज़्यादा मस्त लगता है, वो ज़्यादा टेस्टी लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है चावल का बचका। तो यहाँ देख सकते हो तो घोर के, और उसके बाद मैं इसमें गोलकी डाली थी और कुछ कुछ हल्का फुल्का जो रेडीमेड मसाला था वो डाली थी। और यहाँ पर बैगन मैंने ना गोटा गोटा मतलब खड़ा खड़ा बैगन यहाँ पर कट किया था, तो बैगन ज़्यादा कट नहीं किया था, क्योंकि बैगन ना ज़्यादातर पापा ही खाते हैं, हम लोग ज़्यादातर आलू का खाते हैं, बैगन भी अच्छा लगता है ना, कि आलू का हम लोग को सबको ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ आलू का छना रहा था और उसके बाद बैगन का छनाएगा। यहाँ देख सकते हो मेरा खाना निकल चुका है, मैं अपने लिए और परी के लिए लेके आ गई हूँ, यह दाल चावल और पराठा था,
और बचका और आलू और बैंगन का सब्जी जैसा कि आज बना था खाने में, तो सादा सादा खाना बना था आज। नहाए खाए के दिन ऐसे भी बचका ना खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता है। वैसे भी मैं अगर कुछ कोई चीज़ का जब मतलब नहा के खाना रहता है ना तो बचका बनता ही बनता है। और उसके बाद देख सकते हो खाना मेरा निकल चुका है, तो आप लोग भी आइए, आप लोग भी खाइए। तो आप लोग को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप लोग एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताना। के बाद कुछ देर परी सो गई थी, तो फिर सो के थोड़ा सा आराम मतलब दवा दिए थे ना तो थोड़ा सा राहत लगा था, इसी की वजह से परी मतलब आराम लगा ना तो परी सो गई। तो यहाँ उसके बाद मैं यहाँ पर ना दूध में फट गया था, तो मैं उसको ना छेना मतलब बना दी थी चीनी डाल के। तो छेना ना बच्चे लोग को ज़्यादा अच्छा लगता है, उसके लिए पौष्टिक भी होता है मतलब फ़ायदेमंद भी होता है बच्चे को, मतलब ये ना बहुत ज़्यादा फायदा करता है। ये दूध का रहता है ना फटा हुआ, इसीलिए मतलब छेना ना उसमें थोड़ा सा चीनी मिला के आप उसको भूंज दो तो बच्चे लोग को अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, तो बच्चे लोग खाते हैं। कोई चीज़ ना बच्चे लोग को जब टेस्ट जब तक नहीं लगता ना वो चीज बच्चे नहीं खाना चाहते। और उसका सेव भी खा के यहाँ पे फेंकी हुई थी, यहाँ देख सकते हो इसका नौटंकी। तो उसके बाद मेरा उधर का परी को मैं खिला उला के उसके बाद आ गई, वो खेलने में लग गई। और उसके बाद बेड उड इधर का झाड़ना है पूरा गंदा, और पहले मैं ड्रेसिंग टेबल को साफ कर देती हूँ, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल में ना पूरा मतलब इधर से उधर सब सामान वामान सब बिखरा हुआ था, इसको मैं पहले साफ कर देती हूँ उसके बाद बेड झाड़ूंगी। और उसके बाद गाइस मैं बेड पर जितना भी सामान सब था ना सारा हटाई, परी ना मतलब सब कुछ बिखेर के रख देती है, बैट बॉल सब कुछ इसका बेड पे ही रहता है। तो सारा मतलब बेलशीट जो था ना इस पर कुछ मतलब मीठा गिरा देती, तो इसको मैं हटा देती और उसके बाद झाड़ के ना बेलशीट को बिछा दूंगी। तो अभी मतलब इसको अच्छे तरीके से बेड मतलब बेलशीट से ही मैं इसको अच्छे तरीके से झाड़ दी, और उसके बाद बेलशीट उलशीट अच्छे तरीके से बिछा दी। और उसके बाद ना तकिया का खोल नहीं लगा हुआ था, तो तकिया का खोल लाने के लिए मैं उस रूम में गई थी, तो तकिया का खोल लेके आई। और ये परी का ना गर्तर है, जो परी सुसु करती है तो वो गर्तर वहाँ दे देते हैं बच्चे लोग के लिए। गर्तर सबसे ज़्यादा मतलब यूजफुल यूज में ना मतलब गर्तर ही आता है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद तो यहाँ मैं दोनों तकिया के खोल में ना खोली लगा दूंगी। तो एक में ना एक का जो खोली था ना वो हल्का सा फट गया था, तो उसको थोड़ा सा सिलना है। तो अभी शाम का टाइम होने चला, शाम के टाइम ना सुई धागा हम लोग में नहीं सिला जाता शाम के टाइम। और शाम के टाइम ना सुई धागा कोई अगर मांगे तो किसी को देना भी नहीं चाहिए, अशुभ माना जाता है हम लोग में, तो माना जाता है आप लोग में माना जाता है या नहीं माना जाता आप लोग कमेंट करके बताना। और तो उसके बाद मैंने इस खोली का थोड़ा सा दिक्कत हुआ क्योंकि इसका ना किनारे से फटा हुआ, इसको मैं बाद में सिल लूँगी, कल सिल लूँगी टाइम निकाल के, अभी तो नहीं सिलूँगी क्योंकि शाम का टाइम हो रहा, मम्मी फिर गुस्सा करने लगेगी। तो मैं इसको तकिया खोल को सिर्फ लगा दूँगी और अच्छे तरीके से बेड पर रख दूँगी इसको सरिया के, तो बाद में सिलने का काम बाद में होगा। और उसके बाद गाइस 5:30 बज चुका था, तो मैं सांझ बत्ती दे चुकी हूँ भगवान को, जैसा कि देख सकते हो दिया जल रहा है शाम के टाइम। तो दिन भर मतलब बहुत सारा काम ऐसा होता है ना कि छोटा छोटा चीज़ सब रिकॉर्डिंग नहीं होता। 6 बज चुका है, देख सकते हो आप लोग घड़ी में कि 6 बज चुका है, टाइम 6 बज हो चुका है। और उसके बाद छत पर गई मैं सारा कपड़ा सब लाने के, तभी देख सकते हो इंजोरा टाइप का ही पूरा इंजोरा है, मतलब अभी रात अंधेरा नहीं हुआ और पूरा बारिश की वजह से ना और ज़्यादा मौसम ख़राब लग रहा था, पूरा बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है जैसा कि देख सकते हो आप लोग। तो मैं सारा कपड़ा सब लाने के छत पे गई थी, तो सारा जितना भी कपड़ा था ना बहुत सारा कपड़ा तो भींग चुका था, बहुत सारा कपड़ा नहीं भींगा था, तो सब मैं यहाँ पे समेट के लिए उठा ली हूँ और सारा लेके नीचे जाऊँगी। तो यहाँ अंधेरा अंधेरा जैसा हो चुका था, तो मैं और बाबू दोनों गए थे छत पे, मौसम ख़राब आजकल बहुत ज़्यादा है गया में, तो सारा कपड़ा मैं अपना ले ली और बाबू का ले ली, और फिर मतलब जिस पापा लोग का था सबका कपड़ा ले ली। और उसका देख सकते तो बाबू भी मेरे साथ आया हुआ है कपड़ा उठाने में, मैं भी भींग गई थी, बाबू भी भींग गया था, बाबू भी जल्दी जल्दी सारा कपड़ा से उठा रहा था। उसके बाद हम लोग नीचे आ गए, तो फिर मैं खाना बनाने में व्यस्त हो गई, फिर मैं सारा खाना बनाई थी, यहाँ बना था इस तड़का का तड़का और रोटी सादा रोटी।
यहाँ देख सकते हो तड़का ना सादा ही तड़का बना है, तो कैसा लग रहा है देखने में और टेस्टी खाने में, बहुत अच्छा था इसका खाना। मतलब इसमें तड़का ना बहुत आसान रहता है, तड़का बनाना 5 मिनट का काम रहता है, तड़का बनाना सिर्फ सेट कर देना, मतलब सिर्फ 2 मिनट ना मसाला उसका भुन जाना चाहिए, उसके बाद तुरंत बन जाता है। तो उसके बाद तड़का बनाने के बाद मैं सोची ना गर्म गर्म रोटी बनाऊंगी, तो आटा सान के मैं छोड़ दी थी, तो आटा उसके बाद मैं रोटी तड़का निकाल दूंगी प्लेट में, और उसके बाद उसमें गर्मा गर्म रोटी दे दे के सबको दे दूंगी खाने के लिए। तो इसलिए मैं रोटी ना लास्ट में बनाती ताकि रोटी गर्म रहे। और उसके बाद इन लोग का देख सकते हो आप लोग, नहीं लेंगे देखते हैं कौन। फिर से परी परी डांस करो। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। आई होप आप लोग को मेरी ये ब्लॉग वीडियो अच्छी लगती हो, अच्छी लगेगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे प्यारा सा छोटा सा कमेंट जरूर करना। और बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।